हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सही बच्चे लाइव आ जाओ, सही बच्चे लाइव आ जाओ। आप लोग क्लासेस का टाइम हो गया है। बिहार, अच्छा पी यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी सॉरी, पी के लिए नहीं है ये पारा मेडिकल और पीएमडी और आईटीआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज है। पी नहीं होगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना, आज बायोलॉजी का टेस्ट है। जो आप लोग को नोट्स दिया गया था बायोलॉजी पेड ग्रुप में, उसी का आज टेस्ट होने वाला। तो सही बच्चे लाइव आ जाओ, ठीक है? सही बच्चे लाइव आ जाओ। बायोलॉजी का बहुत ही धमाका टेस्ट होने वाला है आज, बहुत ही सेशन में मजा आने वाला है, ठीक है ना? क्लासेस का टाइम जो नया स्टूडेंट है नोट डाउन कर लो, 6 से 8 बजे जो होता है, 6 PM से 8 PM साइंस और मैथ का क्लास होता है, 8 PM से 9 PM जो होता है जीके बायोलॉजी हिंदी का क्लास होता है, ठीक है? तो सही बच्चे लाइव आ जाओ, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया हो, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। नंबर लिख लो, 85 44 61 53 52। नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। मात्र 499 में पूरा कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करो, देर मत करो, ठीक है? चलो जी, सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हुआ है, उसके बाद मैं देखता हूँ। पूजा कुमारी, विकास, सौरभ, सपना, तनीषा, चलो मनीषा, सोनू, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चलो तो तुम लोग ये बताओ, पेड कोर्स में आप लोग को जो नोट्स दिया गया था बायोलॉजी का, वो नोट्स आप लोग पढ़ के आए हो कि नहीं? जो बायो का नोट्स दिया गया था, उससे ज़्यादा बायो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो इनफ मटेरियल है बायोलॉजी के लिए, उतना इनफ मटेरियल है। कौन सा मटेरियल पेड कोर्स में आप लोग को दिया गया था, ध्यान से देखो। ये जो आपको दिया गया था, वो आप लोग कौन कौन पढ़ के आए हो, ठीक है ना? ये जो नोट्स आप लोग को जो दिया गया था ना, ये बताओ कौन कौन पढ़ के आए हो। जो ये नोट्स पढ़ के आया है, वही आज का सेशन में गर्दा उड़ाने वाला है। जो ये नोट्स पढ़ के आया है, वही आज सेशन में गर्दा उड़ाने वाला, इसी का आज टेस्ट होने वाला है, इसी का आज टेस्ट होने वाला है, ठीक है? इसी का आज टेस्ट होने वाला है, इसी का आज टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना? नोट्स इतना से इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं बायोलॉजी में। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक और पीएमडी में पूछेगा। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ये नोट्स जो आपको दिया गया था, ठीक है ना? तो चलो जी, मैं बोला था कि इसका टेस्ट जल्द ही लूँगा, तो सब लोग रेडी कर लेना। चलो फिर शुरू करते हैं टेस्ट को। टेस्ट को हम लोग अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, और उसको डेली पढ़ते रहना है, ठीक है ना? वो नोट्स काफी है, एनफ मटेरियल है। चलो फिर शुरू करते हैं टेस्ट को, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, ठीक है? देखो टेस्ट का मैं रूल रेगुलेशन आपको पहले बता रहा हूं, सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं करूंगा। ध्यान से सुनना, सभी क्वेश्चन का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, इसीलिए सभी क्वेश्चन के लिए निर्धारित समय, टोटल 26 क्वेश्चन है टोटल यहां पे, कितना 26 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, टोटल 26 क्वेश्चन इस टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये बायोलॉजी का टेस्ट है, ठीक है? टोटल 26 क्वेश्चन है। जो पेड स्टूडेंट सब जो पीडीएफ पढ़े हो, उन लोगों के लिए इस टेस्ट में कम से कम भी 20+ सही करना है, 20+ सही करना है, ठीक है? कितना, 26 में से 20+ सही करना है। अगर 20+ सही कर रहे हो, तो समझो कि तुम लोग पूरा ढंग से नोट्स को पढ़ लिए हो, ठीक है? 20+ सही करना है, 20+ सही कर रहे हो, तो समझो कि प्रिपरेशन आपका ठीक ठाक चल रहा है। तो चलो, अब सभी क्वेश्चन के लिए मैं निर्धारित समय निर्धारित करूंगा, उसी अंतराल में क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग मैं टाइम फिक्स करूंगा, उसी अंतराल में आपको आंसर देना है। लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 26 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है? चलो फिर, तो सभी बच्चे रेडी हो गए हो तो एक बार बताना। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके अटेंडेंस लगा लो सभी बच्चे, जो जो पेड स्टूडेंट हो, एक बार सभी लोग यस सर आई एम पेड यहाँ पे बोल दो। पेड वाले पढ़ा है तो वो करेगा, बट मैं नहीं पढ़ा हूं तो कैसे कर सकता हूं। बहुत अच्छी बात है, जितना आता है उतना ट्राई करो। चलो जी, सभी लोग रेडी हो गए हो, जो पेड स्टूडेंट हो सभी लोग यस सर बोलो, और वीडियो को लाइक शेयर करो। सभी लोग आर्या साना,
मोनिका, उज्जवल, सोनू, जिन्नत जहां, अभिमन्नु, ज्योति, सौरभ, उज्जवल, साकिब, प्रजापति, आजाद इंस्टीट्यूट, आर्या साना, ज्योति, गौतम, जीनियस एंटरटेनमेंट, सभी को गुड इवनिंग। चलो जी, सजनी कुमारी, चलो आर्या साना, सपना, सोनू, चलो शुरू करते हैं फिर, देर नहीं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। रॉक स्टार भाई, सर मैं पेड स्टूडेंट हूँ बट नहीं पढ़ा हूँ। अरे तो पढ़ लेना, ठीक है ना, बायोलॉजी के लिए वो इनफ मटेरियल है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बायोलॉजी काफ़ी है वो। चलो फिर क्वेश्चन को मोहन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय दिया गया है, 30 सेकंड। नारी स्पंदन मात्रा मापक कौन है? ईमानदारी पूर्वक आंसर देना है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? सही बच्चे आंसर देना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको 1 मिनट समय इस क्वेश्चन के लिए दे दिया हूं। फटाफट आंसर दो। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति का है, नाड़ी स्पंदन से क्या मापते हैं जी, गति का मापते हैं, नाड़ी स्पंदन यानी नर्व इंपल्स की बात कर रहा है, गति का या स्थानांतरण बल या वेग। चलो टाइम अप हुआ, टाइम अप। ऑप्शन ए गति का, ऑप्शन ए जो बोल रहे हो, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, गति का मात्रक है, ठीक है। नाड़ी स्पंदन जो कि नर्व इंपल्स है ना, ये जो है गति का मापता है, किसका, गति का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन ए बोले हो बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन ए वाले करेक्ट आंसर हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, 40 सेकंड। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, सही बच्चे आंसर देना। फोर्टी सेकंड समय दिया गया है, लास्ट में ईमानदारी पूर्वक सभी को कमेंट करना है कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। सपना, मनीषा, विकास, संदीप, मोनिका, सूरज, पूजा, प्रजापति, आर्या, मोनिका, सभी लोग आंसर दो, करेक्ट आंसर देना। चलो टाइम अप हुआ, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। चलो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बोल रहे हो, ऑप्शन डी बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ऑप्शन डी वाले करेक्ट आंसर हो। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दे रखा है, यहाँ पे एरो दे करके, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब सेरीकल्चर जो है ना, सेरीकल्चर रेशम कीड़ों, रेशम के कीड़ा जो होता है ना उसको पालन करने के लिए यूज होता है, और ये जो एपीकल्चर जो दिख रहा है, एपीकल्चर किसके लिए यूज होता है, मधुमक्खी पालन के लिए यूज होता है। ये हॉर्टिकल्चर जो है ये बागवानी के लिए यूज होता है, ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर बागवानी में यूज होता है, और पीसी कल्चर जो है ना मछली पालन को बोला जाता है, पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर मछली पालन, यहां से कंफ्यूजन मत रखना। चलो रेशम के कीड़े के लिए सेरी कल्चर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो इसको बनाओ। निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? चलो एक एक मिनट समय दे दे रहा हूं, सभी के आंसर आना चाहिए।
देख के कोई एक दूसरे को देख के आंसर मत देना, जो जानते हो ईमानदारी पूर्वक। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलो टाइम अप हुआ। जो ऑप्शन ए बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा गलत को पहचानना है? रक्त अम्लीय थोड़ी होता है, रक्त अम्लीय नहीं होता, रक्त क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है ना। रक्त अम्लीय नहीं होता, रक्त क्षारीय होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल गलत करेक्ट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, बाकी सभी आपका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए मात्र 30 सेकंड, फटाफट आंसर देना। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर आपको बताना है। पचास से उनसठ, 60 से 80, 81 से 90, 91 से 110। सही बच्चे आंसर देना। एक रेंज दे रखा है, 40 सेकंड समय दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। चलो टाइम अप हुआ। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी बोल रहे हो 60 से 80, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। 60 से 80 वाले करेक्ट आंसर हो। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट जो है ना हृदय धड़कन की दर जो है ये लगभग 72 बार प्रति मिनट होता है। 72 बार प्रति मिनट लगभग होता है जनरली, ठीक है। तो 72 बार किस में आ रहा है? 60 से 80 में ही आ रहा है ना, यानी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये, 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, ओनली 30 सेकंड। कहाँ उछल कूद कर रहा है। चलो चार ब्लड ग्रुप है, ए, ए बी और बी और ओ। इनमें से कौन रक्त समूह वैश्विक दाता यानी सर्वदाता जिसको बोला जाता है? सभी लोग आंसर देना। सभी लोग आंसर देना। जो पढ़ के आया है नोट्स को वो तो गर्दा उड़ा दे रहा है सब। बिल्कुल, और टाइम अप हुआ। ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर हो। ओ, ओ ब्लड ग्रुप है ना, ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप को कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और ये जो है ना, ये आपको क्या है? सर्वदाता है। ये ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, ठीक है। और जबकि ए बी जो है, ये वाला ए बी ब्लड ग्रुप, इसको सर्वग्राही बोलते हैं, इसको हिंदी में सर्वग्राही बोलते हैं, यानी सब से ही ले सकता है लेकिन ये सब को दे नहीं सकता है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, यूनिवर्सल होनर नहीं यूनिवर्सल डोनर। चलो 30 सेकंड समय दिया गया है। किस ब्लड ग्रुप को व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो चलो टाइम अप हुआ। तुम लोग गलत कैसे किए? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या है? किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर? तो वो वही ना है, ओ ग्रुप, जो सबको देता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया? ओ ग्रुप, अभी ही मैंने बोला, फिर सी बोल रहा है। क्या तुम लोग कर रहे हो?
ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ओनली 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए समय दिया गया। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है कौन? अशुद्धि को छानकर अलग करता है, अशुद्धि को कौन छान कर अलग करता है? सभी लोग बताना, जो नोट्स पढ़ा है पेड ग्रुप वाला वो गलत नहीं करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धि को छान कर अलग करता है कौन? अलग करता है जी, अशुद्धि सही बच्चे आंसर देना। वीडियो को लाइक शेयर करो, तुम लोग कर क्या रहे हो? 52 स्टूडेंट लाइव में हो और 32 को लाइक किए हो, बाकी क्या कर रहे हो? फटाफट लाइक करो जो अभी तक लाइक नहीं किए हो। चलो फटाफट, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। और तेरा टाइम ज्यादा लग गया, ध्यान नहीं दिया। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुर्दा। ठीक है, गुर्दा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में ब्लड में से अशुद्धि को छानकर अलग किसका काम है? ये काम है गुर्दा का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं, किडनी इसी को बोला जाता है। ठीक है ना, ये किडनी का काम है। मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धि को छानकर अलग करता है किडनी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को आंसर देना। 30 सेकंड समय दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? सही बच्चे आंसर देना, सब लोग आंसर देना फटाफट। 40 सेकंड के अंदर में आंसर चाहिए मुझे। विकास, सोनू, उज्जवल, चंदन, नीलवाणी, सौरभ, सभी लोग आंसर देना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? चलो जी, टाइम ऑफ हुआ। ऑप्शन सी जो बोल रहे हो हीमोफीलिया, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, एक कोई व्यक्ति को चोट लगता है ना, तो इस पर चोट लगने पे औसतन 2 से 5 मिनट में जो है ना ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, यानी रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनकर बहना बंद हो जाता है। किंतु हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त थक्का जो है ना, रक्त ब्लड क्लॉटिंग बहुत देर से होता है। ठीक है, बहुत देर से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये रहा, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? सही बच्चे आंसर देना, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्तालपता का निवारण, लौह उपयोजन। चलो जी, टाइम ऑफ हुआ। बफरिंग यहाँ नहीं हो रहा, बफरिंग तुम्हारा मोबाइल हो रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है कुमार चंदन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अस्फिग्मैनोमीटर
चलो सब लोग आंसर देना। एस्फिगमैनोमीटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है जी? डॉक्टर को देखते होगे, एस्फिगमैनोमीटर लगा करके चेक करता है, क्या चीज को वो चेक करता है? सही बच्चे आंसर देना। किसका चेक करता है? सभी लोग आंसर देना। साकिब, प्रिया, चलो वेरी गुड, टाइम अप हुआ। ये ब्लड प्रेशर को चेक करता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एस्फिगमैनोमीटर है ना, इससे ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोला जाता है। ठीक है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी। ये बताओ कि मनुष्य में ब्लड प्रेशर का माप कितना होता है जी? ब्लड प्रेशर का माप कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है, जनरली। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सही बच्चे आंसर देना, 30 सेकंड समय है। सही बच्चे आंसर देना, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तनुज कुमार सर, क्लियर नहीं दिख रहा। सही बच्चे आंसर देना, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, क्या होता है बताना सभी लोग? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सही बच्चे आंसर देना। चालीस सेकंड समय दिया गया। देखो तुम लोग आगे पीछे हो क्वेश्चन पे ना, तो एक बार लाइव पे क्लिक कर दिया करो, लाइव पे क्लिक कर देने से तुम पैरेलल में आ जाओगे। ठीक है, चलो टाइम अप हो गया। अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर है। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जैसे क्या हो गया, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? 30 सेकंड समय दिया गया है, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, फ्लेमिंग, कॉल, लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच। से बच्चे आंसर देना, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? सही बच्चे आंसर देना, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? चलो टाइम अप हो गया। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ऑप्शन सी जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर हो। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन, हमारे पेट में कौन सा अम्ल प्रेजेंट रहता है? 30 सेकंड इस क्वेश्चन का दिया जा रहा है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल जो है प्रेजेंट रहता है? सही बच्चे आंसर देना। सी, बी बहुत लोग, सजनी कुमारी, बी उज्जवल, बी पूजा, बी अनीता, SCL। चलो बहुत लोग आंसर दे रहे हो, सही आंसर आ रहा है सभी का, बहुत अच्छी बात है। चलो जी टाइम अप हो गया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, HCL। ठीक है, HCL करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जो अम्ल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? वो HCL होता है। ठीक है, HCL यानी ऑप्शन सी, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, RBC का निर्माण कहाँ होता है? सभी बच्चे आंसर देना,
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? 30 सेकंड, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, लीवर में, हृदय में? रेड ब्लड कॉर्पोशल्स की बात कर रहा है, गलत मत करना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन मोनिका, सौरभ, विकास, मनीषा, राहुल, कुमार, गोलू, साकेत, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन। वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है? मनुष्य के शरीर में ब्लड जो है कितना होता है, एक एवरेज देखा जाए तो कितना लीटर होता है? 30 सेकंड समय दिया गया है। सभी का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी, कोई भी बच्चा गलत नहीं किया। वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना, लगभग मनुष्य के शरीर में जो ब्लड की मात्रा जो होता है ना, मनुष्य का जितना वजन होता है ना, उसका लगभग अगर देखा जाए तो 7% होता है। मनुष्य के शरीर में का जितना वजन है, वेट है मनुष्य का, उसका लगभग 7% होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन तो आप आंसर लगा दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, मैनमेड तंतु की बात कर रहा है। चलो 30 सेकंड समय दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? ऊन, रेयान, रेशम, कपास, सभी लोग आंसर देना। जो मैन मेड है, मैन जो है खुद उसको बनाता है। चलो जी, टाइम अप, टाइम अप हो गया। रियॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैन मेड, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियॉन एक कृत्रिम रेशा है जो कि सेलुलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है। यह एक रासायनिक दृष्टि से एक सूता के समान होता है, सूत के समान। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग जानते हो ना किसको बोलते हैं? चलो 30 सेकंड। लॉन्ग जो होता है वो समानता मसाले के रूप में काम आता है। ये किस चीज से प्राप्त होता है लौंग? चलो आंसर देना, जड़ से, तना से, फल से, पुष्प कलिका से? सही बच्चे आंसर देना, लौंग। लौंग देखे हो ना जी, खाए हो लौंग? चलो आंसर देना। चलो जी, टाइम अप हुआ। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। लौंग जो है समानता रूप से मसाला में यूज होता है, और ये पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। पुष्प कलिका यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अंशु प्रिया, सर मेरा नाम लीजिए। अरे नाम के पीछे क्यों तुम लोग भागते हो, आंसर देने के पीछे भागो ना। क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? सही बच्चे आंसर देना, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था?
30 सेकंड आपको समय दिया गया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? न्यूटन, मेंडल, डार्विन, आर्किमिडीज। कोई नहीं, एक सीटी मार रहा है, एक क्या बोलते हैं कुकर जो है सीटी मार रहा है, तो कभी कभी सीटी भी मारता है ना, खाना बनने का टाइम हो गया है तो तुम लोग भी समझ सकते हो। चलो, ओ समय ज़्यादा ले लिया गया। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए टाइम को। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन का, ठीक है, ऑप्शन सी जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चुनाव, ये जो है ना, ये सिद्धांत डार्विन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और ये न्यूटन किसका दिया था? न्यूटन किसका दिया था बताना, सभी लोग को पढ़ा दिया गया है साइंस में। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया था। ये मेंडल ने किसका दिया था जी? मेंडल आनुवंशिकता के जो है सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज किसका दिया था? आर्किमिडीज ने पानी में डूबते हुए वस्तु के बारे में आर्किमिडीज का सिद्धांत था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण है? 30 सेकंड समय दिया गया है, चलो आंसर देना। ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण है? ग्रीन हाउस से क्या होता है? सभी लोग आंसर देना, ग्रीन हाउस से क्या होता है? सभी लोग ईमानदारी पूर्वक लास्ट में बताना है, ठीक है ना? कितना क्वेश्चन तुम लोग सही कर रहे हो। चलो टाइम अप हो गया। ग्रीन हाउस प्रभाव का मेनली कारण है कि ग्रीन हाउस से क्या हो जाता है, टेम्परेचर, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ग्रीन हाउस से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, वो सब आपको, चलो यहाँ पे आते हैं। 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए समय दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ सकता है? सांपों से लड़ सकता है वो कौन सा प्राणी है? सौरभ यादव कौन है जी? बहुत ही लड़का को हंसी आ रहा है, क्वेश्चन बनाने पे फोकस करो, ठीक है, अभी टेस्ट में तुम बैठे हुए हो। सभी लोग आंसर देना, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ सकता है, लड़ता है? सभी लोग आंसर देना। सभी लोग आंसर देना, सांपों से लड़ सकता है। चलो टाइम अप हुआ। नेवला, नेवला देखे हो कभी तुम लोग? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सांप और नेवला, नेवला को हम लोग के साइड में नेवर इसको बोलते हैं, तुम लोग के साइड में क्या बोला जाता है जी? तुम लोग भी नेवर बोलते हो। नेवला सांप से लड़ता है जी, और यह एक स्तनधारी जंतु है, ठीक है, स्तनधारी जंतु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नेवला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को बताना। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? सभी लोग आंसर देना, होमो सैपियंस किसका नाम है? चलो टाइम अप हो गया। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो।
और मेढक का क्या नाम है जी बताना? मेढक का नाम है, वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना मेढक का नाम है, ठीक है, राना टिग्रीना। बाघ का क्या नाम है? बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस, बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस है। गुलाब का क्या नाम है? गुलाब का रोजा साइनेसिस, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना, सब नोट्स में दिया हुआ है आप लोग के। चलो, सबसे विशाल स्तनपाई कौन सा है? 30 सेकंड, सबसे विशाल स्तनपाई कौन सा है? हाथी, घोड़ा, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, मनुष्य, सब लोग आंसर देना। सबसे विशाल स्तनपाई, सबसे विशाल स्तनपाई कौन सा है? सभी बच्चे आंसर देना। मुन्ना, उज्जवल, साकिब, मनीषा, परवेज, सजनी, उज्जवल, ज्योति, सभी लोग आंसर देना। सबसे विशाल स्तनपाई, चलो टाइम अप करते हैं, ब्लू व्हेल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नीली व्हेल या ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बीमेल शब्द को छाटना है, जो ऑड है ना, जो अलग है उसको छाटना, इसको बताओ। सांप, ब्लू व्हेल है, छिपकली है, घड़ियाल है, इसमें बीमेल कौन सा है जो अलग है? चलो टाइम अप हो गया, टाइम अप, टाइम अप। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ब्लू व्हेल, ठीक है, व्हेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये जो व्हेल है ना, ये स्तनधारी है, ये क्या है? ये व्हेल जो है स्तनधारी है, जबकि सांप हो गया, छिपकली, घड़ियाल, ये सब क्या है? ये सब सरीसृप है, ये सब सरीसृप जंतु है, ठीक है, ये सभी सरीसृप जंतु है, व्हेल जो है स्तनधारी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रैबीज के टीके का खोज किसने किया था? 30 सेकंड समय दिया गया है, सही बच्चे आंसर देना। रैबीज के टीके का खोज किसने किया था? रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर, एलेक्जेंडर, सभी लोग आंसर देना। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? सही बच्चे आंसर देना। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? गलत मत करना कोई भी। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? मैं फिर से बोल रहा हूं, चलो, और ज्यादा समय आज ले लिया गया। चलो, बहुत लोग इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, ऐसा क्यों जी? तुम लोग ये बताओ, इस क्वेश्चन को तुम लोग ज्यादा कैसे गलत दिए हो? रैबीज के टीके का खोज किसने किया था? बहुत ज्यादा गलत आंसर आया, ठीक है,
लुईस पाश्चर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लुईस पाश्चर। एडवर्ड जेनर तो चेचक का खोज किया था ना, तुम लोग काहे कंफ्यूज हो जाते हो। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये कब किया था? 1860 में किया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसने रैबिज के टीके का खोज किया था। रैबिज जो है ना, कुत्ता के काटने से इसका टीका लगता है। चलो अगला क्वेश्चन। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, सभी बच्चे आंसर देना। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए यूज किया जाता है? सभी लोग आंसर। अच्छा, टाइम नहीं दिया गया है। चलो, टाइम निर्धारित है 30 सेकंड। सभी लोग आंसर देना। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए यूज किया जाता है? चलो, टाइम अप हुआ। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बीज का। ठीक है ना, बीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चॉकलेट में गंध के लिए कोको यानी कहवा जो है, कहवा के बीज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। कपास प्राप्त होता है, सही बच्चे आंसर देना। कपास प्राप्त होता है, किस चीज से प्राप्त होता है? कपास तना से, पत्ती से, बीज से, जड़ से। कॉटन की बात कर रहा है, कॉटन। थर्टी सेकेंड समय दिया गया है, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। चलो, टाइम अप हुआ। कपास प्राप्त होता है किसी से? बीज से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपास कॉटन जो है ना, बीज से प्राप्त होता है। और कपास का वनस्पतिक नाम भी पूछ देता है, याद कर लेना, गॉसिपियम इसको बोलते हैं। ठीक है, वनस्पति नाम कपास का जो होता है गॉसिपियम होता है, GOSSIPIUM। ठीक है ना, गॉसिपियम। और ये है मालवेसी कुल का एक पौधा होता है, पापा का परा, पापा का परी। सर आपका शादी हुआ? अरे शादी के चक्कर में क्यों हो, क्वेश्चन बनावे फोकस करो। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे एंड हो चुका है। अब सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक बताना कि ये टोटल 26 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है? 26 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ? ईमानदारी पूर्वक सभी लोग बताएगा, कोई इसमें पार्शलिटी नहीं है कि मैं कम सोल्व किया हूं या ज्यादा बताया हूं। सभी लोग बताना बताना। 26 क्वेश्चन में से पूजा कुमारी 20, अभिमन्यु 20, बीइंग ह्यूमन 2 को छोड़कर सारा सही है। सर मेरा 3 गलत हो गया। मनीषा कुमारी, रवीश कुमार 23, अभिमन्यु 19, पूजा 20, मोनिका 25, उज्ज्वल 3 गलत, ज्योति 20, 19, 20, राहुल 3 गलत हुआ, मौसम 22, साकी 20, सजनी 17, सिद्धि 20, रॉक स्टार 20, उज्ज्वल 30, 23, आर्या 26/24। 26/24 क्या होता है? ये 24 क्वेश्चन में से 26 को सही कर दिया तुम। मनीषा 23, उज्ज्वल 23, उज्ज्वल 23, मोनिका 25, वीरेंद्र 1 गलत हुआ, राहुल कुमार, गोलू 3 गलत हुआ। चलो, ओबामा यूएसए वाले देखो, ये और महान आदमी है, ये 36 क्वेश्चन सही कर दिया 26 में। अच्छी बात है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ढंग से पढ़ लिया करो। पीडीएफ को जो है ना, कहाँ गया ये पीडीएफ, मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये जो पीडीएफ आपको जो दिया गया है पेड ग्रुप में,
ये आपको पीडीएफ बायोलॉजी के लिए इनफ मटेरियल है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बस बायोलॉजी इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। पेड ग्रुप में पीडीएफ दे दिया गया, सभी बच्चे पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे, क्लासेस का टाइम सभी को पता है ना, क्लासेस का टाइम सभी को पता है ना जी, क्लासेस का टाइम सभी को पता है, तो ऑन टाइम सभी लोग रहना, ठीक है। बाकी यहाँ पे और बताओ सब, तुम लोग से थोड़ा बात करना है। चलो ये जो है ना, क्लासेस के टाइम सभी लोग नोट डाउन कर लेना, पेड कोर्स जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। ये नंबर लिख लो सभी लोग, 8544-6153-52 नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो आफ्टर क्लासेस के बाद, और जल्द से जल्द ज्वाइन करो, देर मत करो, क्योंकि अब जो है ना एग्जाम का समय आ गया है। चलो जी और बताओ तुम लोग, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, कहाँ कहाँ से हो जी? सबसे पहले ये बताओ तो तुम लोग कहाँ कहाँ से, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से तुम लोग हो, सभी लोग बताना। बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है सर, कौन सा क्वेश्चन हार्ड आता है जी? चलो साकिब मधुबनी से हो, पूजा कनवर राजस्थान, राहुल कौर गोलू, इसमें क्वेश्चन हल्का। हाँ देखो आज क्वेश्चन जो है हल्का इसलिए पूछा गया था ना, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन सभी को से आपसे यहाँ से लाया गया है। पूजा नवादा से, मनीषा कुमारी मैं गया से हूँ, बिहार शरीफ वीरेंद्र, बेतिया में पढ़ता था सर अभी घर पर हूँ, उज्ज्वल कुमार गया से, मनीषा, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई औरंगाबाद से हो जी, मुन्ना भाई, वीरेंद्र बिहार शरीफ, अभिमन्यु मधेपुरा। बिहार के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे ज्वाइंड हैं, ठीक है ना। राहुल कुमार गोलू बांका, आर्या साना गोपालगंज। चलो अच्छी बात है, मैं भी एक्चुअली गया से ही हूँ, ठीक है ना, मैं भी एक्चुअली गया से ही हूँ। सनोज कुमार गया से, सनोज कुमार ये बताओ कि तुम्हारा होम टाउन कहाँ हुआ, गया में कहाँ के रहने वाले हो ये बताओ, घर कहाँ हुआ जी गया में? बीइंग बर्मा पटना से, जिनत जहां छपरा, अंशु प्रिया सर हम 8:30 से पढ़ रहे थे। अच्छा जी, कितना सही किए हो ये बताओ, 8:30 से पढ़ रही थी, कितना सही किए हो? सनोज कुमार शकरपुर, अच्छा। अरे इतना साउंड क्यों कर रहे हो? इतना साउंड क्यों कर रहे हो? मनीषा कुमारी आप गया में कहाँ से रहते हो? अरे गया में मैं एक्चुअली गुरारू, जानती हो गुरारू, ऐसे होम टाउन हुआ मेरा, ठीक है, गुरारू मेरा वैसे होम टाउन हुआ। अरे बस करो इतना हल्ला, बाकी ढंग से तुम लोग स्टडी करो, ठीक है। चटनी बन रहा है, देखो एक लड़का को दिख रहा है चटनी बन रहा है, अरे चटनी नहीं बन रहा है। नीरज कुमार, आर्या सना, पारा मेडिकल में क्वेश्चन हार्ड पूछता है, हार्ड कहाँ से? देखो पारा मेडिकल का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक से बहुत इजी रहता है, ठीक है। पिछली बार एक लड़की थी, उसको वो जो है ना ज्यादा, एक सेकंड रुको तुम लोग, बहुत दिन से बात करने का मन कर रहा था तुम लोग से। एक सेकंड रुको रुको, देखो पिछली बार एक लड़की थी, वो लगभग
200 लगभग, 250 के लगभग नंबर था उसका, 250 के लगभग उसका नंबर था। उसको जहानाबाद जो है ना, जहानाबाद, जहानाबाद में जीएनएम कॉलेज मिला है, ठीक है ना, जहानाबाद। वो भी गया कि लड़की थी, मिक्सचर मशीन है सर। और देखो ढंग से पढ़ा करो, जो भी नोट्स आपको दिया जाता है पेड कोर्स में, पेड ग्रुप में, उसको ढंग से तुम लोग पढ़ा करो, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। पूजा कुमारी कौन थी सर? अरे एक उसका वीडियो डाला हुआ है, उसका वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है यूट्यूब पे। अंशु प्रिया, यस सर मैं भी गुरारू से ही हूँ। गुरारू से कहाँ पे घर हुआ गुरारू, ये बताओ, गुरारू में कहाँ पे तुम्हारा घर हुआ? बांका से हूँ सर, भागलपुर में रहता हूँ। नेम क्या है किस? अरे उसका नाम क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसका जो है ना लाइव इंटरव्यू वाला वीडियो डाला हुआ है इस चैनल पे, लाइव इंटरव्यू वाला वीडियो उसका डाला हुआ है। पारा मेडिकल में NMCH चाहिए, मिलता है? अरे देखो NMCH पारा मेडिकल में मिलता है, हाँ। GNM अगर है ना, GNM वो सब मिल जाएगा, GNM वगैरह में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पारा पटना के लिए, PMCH NMCH के लिए तुमको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। कम से कम भी तुमको 300 नंबर लाना पड़ेगा, 300+, तभी पटना गया ये सब आपको मिल सकता है, ठीक है, तभी पटना गया आपको मिल सकता है। बाकी जो भी नोट्स आपको दिया जाता है वो ढंग से तुम लोग स्टडी किया करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में, कल के क्लासेज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को गुड नाइट, और ढंग से स्टडी करते रहो सब लोग। इसका PDF जल्द ही पेड ग्रुप में अपलोड कर दिया जा रहा है।